सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हैं, एक बार फटाफट से वीडियो का लिंक है वो शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद में अपना टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। देखिए गाइज, आप सभी को मैंने पहले भी बताया था, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चल चुका है कि टेस्ट सीरीज़ के मामले में। मैंने कल थ्योरी क्लास करवाई थी तो उसमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवाओ, तो मैंने आज फिर से यही सोचा है कि क्यों ना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखना पसंद करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में अपन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट में क्वेश्चन है वो आप सभी देख लेना है। सभी को गुड इवनिंग। और गाइज जल्दी आपको बता दें कि अपना जो डेली का टाइम है वो अब से चेंज करेंगे, 7 बजे से शुरू करेंगे, और शाम को जो अपना 9 बजे का टेस्ट होगा वो एग्रीकल्चर का नहीं होकर उसकी जगह जीके का टेस्ट होने वाला है। तो आप सभी उसी अकॉर्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर आरजो विकू, इसके साथ में ही अमरचंद, देखिए अविनाश चौधरी, सभी को गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पशुओं को जो पशुओं के शरीर में CHO किस रूप में पाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन दिया है ग्लाइकोजन, बी दिया है स्टार्च, और सी दिया है गैलेक्टोज, और डी दिया है यहाँ पे सेलुलोज। तो यहाँ पे आपसे पहले तो ये पूछा गया है कि ये जो CHO है वो पशुओं के रूप, यानी कि पशुओं के शरीर में किस रूप में शामिल होता है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे साइड में, इसका आंसर है वो भी शो हो रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, उस डिस्क्राइब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे दें। तो यहाँ पर आरजो योगी का और सीता जाट का, अमरचंद का ए आंसर है वो राइट आया है। तो यहाँ पे ए आंसर है वो राइट हो जाएगा, ग्लाइकोजन। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो पौधों के अंदर है वो स्टार्च है, वो यानी कि यहाँ पे लिखा है स्टोरेज फॉर द कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स यानी कि प्लांट के अंदर स्टार्च के रूप में ये स्टोरेज होता है। और यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने लिखा कि मेनली सीड्स, रूट एंड ट्यूबर्स के अंदर ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन लिखा हुआ है स्टोरेज फॉर द कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन एंड अदर्स एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। ये यानी कि नॉर्मल अगर टेम्परेरी रूप के अंदर लिवर और मस्कस के अंदर यहाँ पे स्टोरेज होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जो स्टूडेंट्स है वो ए आंसर दे रहे हैं, उन सभी का सही है। इसके साथ में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सभी एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। देखिए यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि जुगाली करने वाले पशुओं में सेलुलोज का पाचन किस के द्वारा, यहाँ पे देखिए किसके द्वारा सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा होता है। एक तो दिया ऑप्शन यहाँ पे रूमिनल एंजाइम के द्वारा, बी ऑप्शन दिया है यहाँ पे सेलुलोज माइक्रोफ्लोरा के द्वारा, सी ऑप्शन दिया है पिक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा, और ऑप्शन डी दिया है पे यहाँ पे ए एंड सी। देखिए यहाँ पे पहले तो अपन को यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपके सामने यहाँ थोड़ा सा ये गाय का है, इसके अंदर पूरा पाचन सिस्टम है वो बनाया हुआ है, किस तरह से यहाँ से भोजन है वो ग्रहण करता है। इसके बाद में यहाँ पे ये ओमेजम बार है, यहाँ पे रूमिनेंट वाला भाग है, रूमिनेंट है, तो यहाँ पे रेटिकुलम हो गया, यहाँ पे ओबिजम हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग जो पार्ट है वो दिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पशु के अंदर जो सेलुलोज का पाचन है वो किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स है वो इस क्वेश्चन का डी आंसर दे रहे हैं। तो मैं यहाँ सभी स्टूडेंट्स का आंसर है वो सही बता देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है वो डी नहीं होगा, लगभग स्टूडेंट्स है वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर राइट आंसर होगा, यानी कि सेलुलोज माइक्रोफ्लोरा के द्वारा होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स है वो इस क्वेश्चन का बी आंसर करोगे। और यहाँ पे इसके साथ में ही अब बढ़ते हैं हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ में। तो यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन है वो है दाना, यानी कि दाने में क्रूड फाइबर। देखिए बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाने के अंदर क्रूड फाइबर है वो किस रूप में या कितने प्रतिशत होता है, यानी कि क्रूड फाइबर है वो कितने प्रतिशत होता है। यहाँ पे देखिए 18 दिया है, 18%। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी को मैं समझाना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता कि ये लेस देना है या ग्रेटर देना है, इस मेन टॉपिक में यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन 18%, लेस देन 18%, 18% या इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो
संजय स्वामी जी, कुछ रीजनों की वजह से ये मास्क लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मास्क के बारे में, ये थोड़े दिन के लिए है, उसके बाद में मास्क को हटा दिया जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन में मैं अकेला ही होता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चलती है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें से लेस देन कौन सा होता है और ग्रेटर देन कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है। इससे पहले एक छोटी सी शायरी बोल देता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता है वो शोर मचा दे। यानी कि कहने की बात ये है कि अपनी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी इतनी खामोशी से करो कि साथ में पढ़ने वाले बंदे को भी पता ना चले कि आपने सुपरवाइजर की तैयारी की है, और जब सिलेक्शन हो जाए तो उसको विश्वास ना हो कि आपने सुपरवाइजर की तैयारी की और आपका सिलेक्शन हो गया, वो भी आपको देखता रह जाए। यानी कि अपनी भी जो मेहनत है उसके लिए शोर मच जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले बड़ा और छोटा। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है, हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्या आप मनोज जी हो? हाँ जी, मेरा नाम मनोज है और यही अपना मेरा ही ये ऑफिशियल चैनल है, आपको इसी वीडियो के अंदर मैं ही पढ़ा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे अपन बात करेंगे पहले इसके बारे में, लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजिंग हो, वो आज की इस वीडियो के बाद में कभी भी किसी स्टूडेंट्स के कन्फ्यूज नहीं रहने वाला। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के जो मुँह हैं वो आमने सामने होने चाहिए, इन दोनों के मुँह हैं वो आमने सामने होने चाहिए। यहाँ पे आपके सामने लिखा है, एक के सामने तो लिखा है 18 और दूसरे के सामने यह 18। तो यहाँ पे देखना है, ये जो इसका मुंह है थोड़ा सा देख लेना, इसका मुंह है वो आगे जाके क्या हो रहा है, आगे जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है छोटा, यानी कि ये 18 है जिसके आगे ये निशान लगा है, देखना, ये जिसके आगे ये निशान लगा है इस तरह का, वो तो हो गया छोटा। यानी कि आपको यहाँ पे देखना कि किसी चीज़ है जैसे इस तरह से टाइप है, इसका मुंह ऊपर की तरफ से बड़ा है, लेकिन यानी कहने के मतलब है इसका मुंह है वो इस तरह से है, इस तरह से मुंह है, यानी कि यहाँ तो बड़ा है लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो इसका मुंह क्या है आगे आके ऐसे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेना, ये छोटा हो गया यानी कि लेस देन हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये 18 है यहाँ पे, यानी कि इसके संख्या मेन मुंह क्या है, संख्या के आगे है, इसका मुंह है वो इस तरह से ही है, यानी कि इसका मुंह है वो आगे जाके, यानी कहने का मतलब है ये आगे जाके क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे आगे बड़ा हो रहा है तो ये हो गया यानी ग्रेटर देन, यानी कि ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, और आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रूड फाइबर है वो किस तरह से है। तो यहाँ पे अगर आप सभी ने देखा है कि क्रूड फाइबर है वो किस तरह से है, यहाँ पे क्रूड फाइबर का दिखाया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पे होगा। इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो बी आंसर है, वो राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ लेस देन 18% हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स है वो देख सकते हैं, एग्रीकल्चर बिना कुछ नहीं, विशाल है। देखिए, जिन यहाँ पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट में, 4th नंबर क्वेश्चन है, जिनको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं है ना तो वो एग्रीकल्चर लेते भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप सभी जो भी जिसने कमेंट किया है मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट, अपना 4 नंबर क्वेश्चन है, तो यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक तरह से जीके का क्वेश्चन भी है, इसके साथ में ही कई बार ये एग्रीकल्चर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो अपने के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, अपन उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है? तो सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, ए ऑप्शन जयपुर, बी उदयपुर, सी है भरतपुर और डी है धौलपुर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ये जयपुर के अंदर है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि जयपुर के अंदर कहाँ है, तो लुणियावास जयपुर के अंदर है, लुणियावास, लुणियावास जयपुर और रामगढ़ के अंदर है ये। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आंसर हो जाएगा, सभी स्टूडेंट्स सब वो देख रहे हैं। हाँ जी, आरजो योगी का लुणियावास हो जाएगा, कोमल यादव का ये आंसर है राइट आंसर है भाइयों, प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, यहाँ पे अब बात करते हैं नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन की वजह से। देखिए, मास्क है वो कुछ ऐसी बात नहीं है, बस आपको रियली बात यही है कि फेस नहीं दिखाना चाहते, इसी रीजन की वजह से ये मास्क लगाया हुआ है, बाकी कोई रीजन नहीं है मास्क लगाने का, बाकी फेस है वो एकदम सही है। अब देखिए, यहाँ पे अपन बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जो पश्चिमी राजस्थान में भारत के कुल ऊंटों का कितने प्रतिशत है। देखिए, यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। देखिए, पश्चिमी राजस्थान के अंदर
जो भारत के कुल ऊँटों की संख्या है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, 55%, 60%, 65% या 75%। देखिए यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स है, इस क्वेश्चन का आंसर है वो जहाँ तक मुझे लगता है डी आंसर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा सोच समझ के देना है, मैंने पहले भी आपको बोला है कि इस क्वेश्चन को देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी राजस्थान का पूछा है, न कि पूरे राजस्थान का पूछा है। अगर पूरे राजस्थान का, अगर अपने से पूरा राजस्थान पूछ लिया जाता तो यहाँ पे 80 से 82% होता, यहाँ पे 80 से 82% होता, लेकिन पश्चिमी राजस्थान का पूछा है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सी आंसर है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है, संजय स्वामी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, तो यहाँ पे देखिए सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करेंगे तो 65% है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे देख सकते हो, ये ऊँटों की फोटोएं हैं और इस तरह से पश्चिमी राजस्थान का लिखा गया है। अब नेक्स्ट में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बढ़ते हैं, तो बहुत ही शानदार 6 नंबर क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा पशु नॉन रुमिनेंट। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि नॉन रुमिनेंट क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि रुमिनेंट नहीं, यानी कि जुगाली नहीं करने वाले हैं वो नॉन रुमिनेंट कहलाते हैं। यहाँ पे आपको सामने वो फोटो भी दिख रही होगी, थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिया ए गाय, बी सुअर, डी सी हिरण और डी है बकरी। तो यहाँ पे आप सभी थोड़ा सा देख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा। तो मैं सभी का पहले देख लेता हूँ कि इस क्वेश्चन के कमेंट क्या क्या आते हैं सभी स्टूडेंट्स के। देखिए जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके अंदर जो केनाइन है या कील दांत भी कहते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, और यहाँ पे जो जुगाली करने वाले हैं उनमें जो केनाइन दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सुअर है वो दिखाया हुआ है किस तरह से, यहाँ पे जो नॉन रोमिनेंट है, एनएस वाला है, कैसियम है, सभी यहाँ पे पार्ट है वो दिखाए हुए थे। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर है वो सभी स्टूडेंट्स है वो दे रहे हैं, बी आंसर है सभी का सही है। जो जो स्टूडेंट्स हैं मौसम चौधरी, अमरचंद और इसके साथ में ही देवीलाल, संजय स्वामी, बी आंसर आएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, तो यहाँ पे अपना 7 नंबर क्वेश्चन है वो है निम्न में से मुर्गी का नाम है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कि कुछ क्वेश्चन अपने ऐसे आते हैं जो कि अपने एग्जाम्स के अंदर नॉर्मल सभी कैंडिडेट्स कर देंगे, जैसे अपने सुपरवाइजर की अगर बात करेंगे तो 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 25 क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट्स को आएंगे, सभी क्वेश्चन तो सभी को आएंगे, बाकी क्वेश्चन बचते हैं लगभग जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग टोटल 25 क्वेश्चन, अगर बात 55 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो तैयारी करने वालों के लिए सही होंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन है वो टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को सही करना, जिसका ये 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से मुर्गी का नाम क्या होगा, वैज्ञानिक नाम गेलस डोमेस्टिकस, मिलियरस गेलोपोआ, केप्रा हिरकस, ओरिकेलोटोलिंगस क्यूनिकलस। तो यहाँ पे आपको यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है वो देना है, आंसर है वो सभी स्टूडेंट्स का फटाफट से आ रहा है, हाँ जी ए आंसर है वो राइट आंसर होगा। देखिए गेलस डोमेस्टिकस इस क्वेश्चन का आंसर है वो राइट होगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर मास्क हटा दो, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं मास्क हटा दूंगा, तो आप वीडियो का लास्ट तक बने रहना। देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो ए आंसर है वो राइट हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त मान सकते हो ये क्वेश्चन अपने एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर भी आता है कि भारत में दूध उत्पादन, देखिए भारत के अंदर दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा हिस्सा किस पशु का है। ए ऑप्शन दिया है भैंस, बी ऑप्शन दिया है गाय, सी दिया है बकरी और डी दिया है भेड़। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत के अंदर दूध का सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन से पशु का है। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए थोड़ा सा जो नया करंट डाटा है वो भी शो करवाया गया है। बुफेलो की अगर दोनों की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे बुफेलो का हो जाएगा 49% है, यानी कि अगर अपन यहाँ पे भैंस की अगर बात करेंगे तो 49% यहाँ पे हिस्सा रहने वाला है, और इसके साथ में अगर काऊ की बात करेंगे तो काऊ के लिए यहाँ पे हो जाएगा लगभग टोटल 46% यहाँ पे काऊ का हो जाएगा। इसके साथ में यहाँ पे बकरी का हो जाएगा, बकरी का यहाँ पे होने वाला है 3%।
तो यहाँ पे बकरी का 3% से हो जाएगा। और इस तरह से आगे इसका जो पर डे के हिसाब से ईल्ड है वो निकाली गई है कि इस हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हो न्यू करंट डाटा के अकॉर्डिंग अगर अपने प्रोडक्शन की और परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 49% हो जाएगा। और राजस्थान सॉरी भारत के अंदर अगर उत्पादन में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भैंस का ही उत्पादन में प्रथम स्थान रहेगा। तो यहाँ पे प्रथम स्थान हो गया। अब अपने नेक्स्ट भी इससे संबंधित क्वेश्चन आने वाला है, उसमें भी हम इससे संबंधित डिस्कस करेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स वो आगे देखते रहना है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार आने वाला है, 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, वो आप सभी देखिए। गाय के अंदर श्वसन दर प्रति मिनट होती है, गाय के अंदर श्वसन दर है वो प्रति मिनट कब कितनी होती है वो आपको बताना है। 20 से 30, 40 से 50, 5 से 12 और 12 से 16। तो यहाँ पे देखिए गाय की जो श्वसन दर है वो कैसे मापते हैं, तो नथुने होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। नथुने हैं, उस पर हाथ लगा के उसके जो श्वसन की गति है वो भी चेक कर सकते हैं, या उसके पेट पे ऐसे मतलब पेट के ऊपर ऐसे हाथ लगा के उसकी जो श्वसन दर है उसको भी देख सकते हैं। तो वो गाय के अंदर या भैंस के अंदर देखा जा सकता है कि जो श्वसन दर है वो इस तरह से। यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। स्टूडेंट्स डी आंसर दे रहे हैं, कोई दे रहा है ए आंसर, राहुल प्रजापति का ए आंसर है, इसके साथ में ही बाकी स्टूडेंट्स ने भी दिया आंसर, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ए आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा आपने तो यहाँ पे लिखा है कि केटल की जो रेस्पिरेशन रेट है यानी मिनट के अंदर अगर बात करेंगे तो 25 से 30 होती है। केटल मतलब गायों के अंदर जो हॉर्स अपने सिलेबस में नहीं है उसकी जो होती है यानी कि श्वसन दर है वो 8 से 16 होती है। शिप के अंदर होती है 10 से 12, गोट के अंदर होती है वो 10 से 20 होती है, यानी सॉरी शिप के अंदर भी 10 से 20 होती है और इसके साथ में पिग यानी सुअर के अंदर भी 10 से 20 होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है वो ए आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 25 से 30 दिया होता तो इस क्वेश्चन का जो ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाता। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है अपना कि मुर्गियों में श्वसन दर है वो प्रति मिनट के हिसाब से बताना है। मुर्गियों के अंदर श्वसन दर है वो प्रति मिनट के हिसाब से बताना है आप सभी को। 105 से 120, 120 से 130, 120 से 160 और 140 से 150। तो सभी स्टूडेंट्स वो एक बार बता दीजिए। सोलम खान जी गुड इवनिंग, और राहुल प्रजापति ने यहाँ पे सी आंसर दिया है। देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर है वो फटाफट से कीजिए। राहुल प्रजापति ने सी आंसर दिया है, बहुत ही अच्छा आंसर है। रोहित कुमार का भी सी आंसर है। मुर्गियों के अंदर अगर श्वसन दर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 120 से 160 हो जाएगी, यानी सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। जिन जिन कैंडिडेट्स का सी आंसर है उन सभी का सही आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो 11 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है वो आप सभी देख लेना है कि जो भारत के अंदर, देखिए भारत के अंदर दूध का उत्पादन, पहले तो अपन विश्व की बात करेंगे उसके बाद में अपन बात करेंगे भारत के अंदर। भारत के अंदर यूपी आता है, लेकिन विश्व की अगर बात करेंगे विश्व के अंदर भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान। देखिए यहाँ पे अपने से पूछा गया है कि विश्व के अंदर भारत का कौन सा स्थान है। आपको बेसिकली पता है इस क्वेश्चन का आंसर है वो रविकांत शर्मा फर्स्ट, अमरचंद पिछले क्वेश्चन का आ रहा है, नरेंद्र कुमार का ए आंसर आ रहा है, आरजू योगी हाँ जी यूपी इंडिया के अंदर फर्स्ट हैं, और सुनीता कुमारी का ए आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे कि जो इंडिया के अंदर अमूमन जो मिल्क प्रोडक्शन है मिलियन टन के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि मिलियन टन के अकॉर्डिंग किस तरह से डिवाइडेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट स्थान है वो इंडिया का है। अगर बात करेंगे मिलियन टन है वो मिलियन टन के अकॉर्डिंग भारत के अंदर यहाँ पे 146.31 होगा। दूसरा स्थान यहाँ पे यूएसए का होगा यानी कि अमेरिका की बात करें उसमें होगा 93.5। तीसरे पे आता है चाइना जिसके अंदर 45.0। उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर 43% पाया जाता है। ब्राज़ील के अंदर यहाँ पे 35.7% पाया जाता है। 6 पे यहाँ पे जर्मनी, उसके अंदर यहाँ पे 29.34% पाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे रूसिया के अंदर भी यहाँ पे 29%
परसेंट पाया जाता है। इस तरह से पूरा देशों का पूछा जाता है, लेकिन अपने ये सिर्फ ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी तीनों का ही देखना ज़रूरी है कि किस तरह से यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन मिलियन टन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा अपन को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यानी कि फर्स्ट पे अपन बात करेंगे तो इंडिया हो गया, इंडिया, यूएसए और चाइना। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है अपना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस पशु में साइलेंट हीट पाई जाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किस पशु के अंदर साइलेंट हीट पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे भैंस, ऑप्शन बी दिया है गाय, और ऑप्शन सी दिया है यहाँ पे भेड़, और ऑप्शन डी दिया है बकरी। देखिए साइलेंट हीट का मतलब क्या होता है इसके बारे में देखना है। तो साइलेंट जब मध्यकाल में होती है तो वो रंभाने लग जाती है, कहने का मतलब बोलने लग जाती है, तो वो यानी कि इस तरह के लक्षण दिखाई नहीं देना, साइलेंट हीट का मतलब वही होता है। तो सर्वाधिक है वो किसमें देखने को मिलती है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सीमा निठारवाल, कोमल यादव, सीता जाट और आरजो योगी का यहाँ पे ए आंसर है, सुनीता कुमारी का भी ए आंसर है। यानी कि भैंस के अंदर जो साइलेंट हीट है वो पाया जाता है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हो साइलेंट हीट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं, पूरा क्लियरिटी दिखाई हुई है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही शानदार 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पशु में फोल हीट पाई जाती है। ये जो सेक्सुअल से संबंधित है फोल हीट, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे भैंस, बी ऑप्शन दिया है गाय, सी ऑप्शन दिया है बकरी और डी ऑप्शन दिया है घोड़ी या घोड़ा, दोनों अपन घोड़ी के बात करेंगे। तो यहाँ पे अपना हॉर्स है वो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। कई बार क्या है कि जो LSC की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद क्वेश्चन होते हैं। तो आज सभी स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर है वो दीजिए, मैं फटाफट से आप सभी का इस क्वेश्चन का आंसर है वो देना चाहता हूँ। देखिए जो फाउल हीट है डी आंसर है घोड़ी, यहाँ पे डी आंसर है वो सही हो जाएगा। अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि विश्व के अंदर सबसे पहले किस पशु या किस पालतू को पाला गया था, किस पालतू जानवर को पाला गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया है ऊँट, बी ऑप्शन दिया है कुत्ता और डी ऑप्शन दिया है घोड़ा और डी ऑप्शन दिया है गाय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप सभी ने पता होगा कि इस क्वेश्चन का है वो बी आंसर है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आदिमानव दिखाया गया है, इसके साथ में एक कुत्ता दिखाया गया है। तो इसके साथ में अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि विश्व के अंदर सबसे पहले पालतू की जगह पहले पाले यानी कि सबसे पहले फल वृक्ष लगाया गया कि यहाँ पे क्या होता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑप्शन दिया जाता केला, अनार, खजूर और बेर। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या करते। देखिए विश्व के अंदर सबसे पहले कौन से फल वृक्ष को लगाया गया इसके बारे में पूछा जाता है आपसे, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या देते। तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर है वो दीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा देख लेना है कि जो अगर विश्व के अंदर सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का है वो डेट पाम होगा यानी कि खजूर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर ही राइट होगा, क्योंकि सबसे पहले फल वृक्ष की अगर बात करेंगे तो खजूर आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो भी स्टूडेंट्स को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, खजूर सुनीता कुमारी का राइट आंसर है। अब बात करते हैं अपना 15 नंबर क्वेश्चन है कि बकरी में विनिंग की आयु है तो वो कितनी होती है। 9 सप्ताह, यहाँ पे 16 सप्ताह, इसके साथ में 18 सप्ताह और 20 सप्ताह। तो यहाँ पे देखिए विनिंग की क्रिया है वो बतानी है। तो यहाँ पे देखिए एक तो सकलिंग होता है, एक विनिंग होता है। विनिंग में होता है माँ के बिना बच्चे को तैयार यानी कि पालना, और एक है सकलिंग जिसके अंदर माँ के
साथ में पाला जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो फटाफट से दीजिए। इसके बाद में अपनी लाइव क्लास है वो अराइज स्टडीज़ पे शुरू होने वाली है, तो जो भी स्टूडेंट्स लाइव चल रहे हैं तो वो अराइज स्टडीज़ अपना ऑफिशियल चैनल है उस पर 8 बजे अपनी लाइव स्टडी चलने वाली है, तो फटाफट से उसी पर लाइव 8 बजे ज्वाइन कर लेना है। उस पर लिंक लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे 16 सप्ताह हो जाएगा, यानी कि बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आज के क्वेश्चन है वो कैसे लगे हैं फटाफट से एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।